हेलो फ्रेंड्स, द स्पाइसी रेसिपी में आज की हमारी जो रेसिपी है वो है मिल्क शेक्स की, जिसमें हम बनाएंगे एप्पल बनाना मिल्क शेक और साथ ही में मस्क मेलन मिल्क शेक। ये एक अफ्तार रेसिपी है, मतलब कि आप अफ्तारी के टाइम पे इन्हें बनाकर पी सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स और इसकी रेसिपी। हम तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे बनाना और एप्पल का मिल्क शेक। तो यहाँ पे एक एप्पल को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, साथ ही में दो बनानास को भी मैंने कट कर लिया है पीसेस में। इसमें अब हम 1.5 चम्मच जो है वो चीनी डालेंगे और 1 कप यहाँ पर मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ठंडा कर रखा हुआ दूध है। और साथ ही में कुछ आइस क्यूब्स हम इसमें डाल लेंगे और इसे अब हम 1 मिनट के लिए जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। रमज़ान महीना चल रहा है तो हमारे फास्ट होते हैं, तो फास्ट के दरमियान ऐसा होता है कि बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो जब आप अफ्तार के टाइम पे अगर मिल्क शेक पीते हैं तो आपकी बॉडी का जो वाटर लेवल है वो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी गेन अप हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ये ब्लेंड करके हो गया है, इसे अब हम सर्व कर लेंगे। तो आप बनाना एप्पल का जो मिल्क शेक है इसे ज़रूर बनाइएगा और इसे अफ्तारी में ज़रूर पीजिएगा। आपको इससे बहुत जल्दी एनर्जी जो है वो बूस्टअप हो जाएगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम बना लेते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी मिल्क शेक की। तो अब हम बनाएंगे खरबूजे का मिल्क शेक। तो यहाँ पे मैंने आधा खरबूजा लिया हुआ है, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। साथ ही में 1 कप हम इसमें जो है वो दूध डालेंगे, ये ठंडा दूध है। साथ ही में इसमें 2 टीस्पून हम चीनी डालेंगे। कभी कभी खरबूजा जो है हल्का फीका होता है, इस वजह से मैं 2 टीस्पून इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो हनी भी डाल सकते हैं। और साथ ही में कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे। तो इसे अब हम 1 मिनट के लिए जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। इसमें वाटर लेवल बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है खरबूजे में, तो इसका तो मस्ट होता है। आप इसका जूस भी पी सकते हैं, वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। पर मैं आज यहाँ पे मिल्क शेक की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा ब्लेंड करके हो गया है, इसे हम सर्व कर लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। मैं आपको अगली रेसिपी वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।